गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं किचन में हूँ। तो मैंने ये रात को बर्तन धो के स्लैब पे रख दिए थे ना, अभी इनको मैं लगाऊंगी सबको इसमें रैक में। ये देखिए, जल्दी के काम। तो आज मैं यूवी को टिफ़िन में सैंडविच दूंगी, कोल्ड सैंडविच उसके फेवरेट हैं। तो उसने कहा था कि ब्रेकफास्ट में मुझे यही देना और टिफ़िन में भी, तो इनको बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए आज लेट उठी हूँ। थोड़ा लालच कर लिया 5 मिनट और सोने का बच्चों की तरह। तो अगर उसको पूरी, परांठा, सब्जी कुछ ऐसा लेके जाना होता तो फिर मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आधा घंटा और पहले। अभी उसकी स्कूल की बस जो है वो 7 बजे तक आती है, तो 6 बज गए, 1 घंटे में सब मैनेज हो जाएगा आराम से। तो मैं सबसे पहले ये गैस और स्लैब साफ़ करूँगी। वैसे तो मैं नाइट में भी पूरा क्लीन करके सोती हूँ, ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक मन में वहम सा रहता है कि सुबह उठो तो पहले क्लीन करो फिर अपना काम शुरू करो, और ये मेरे हिसाब से अच्छी हैबिट भी है। तो ये हमारे डिफेंस के क्वार्टर हैं, तो किचन थोड़ी छोटी है, इसमें आपको थोड़ा सा मैसी सा लगता होगा, पर मैं कोशिश करती हूँ सब सामान एडजस्ट करके मैनेज करके रखने की। फिर भी जब कुछ भी किचन में काम करते हैं तो फैल ही जाता है, पर बाद में मैं समेट भी देती हूँ, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये मलाई ली थी, इसको फेंट के अभी एक ब्रेड पर अप्लाई करूँगी। दूसरे ब्रेड पे मैं जैम लगा दूंगी, इन दोनों को मिक्स करूंगी, तो ये हमारा कोल्ड सैंडविच बनके रेडी हो जाएगा। मलाई की जगह आप चीज़ स्प्रेड भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, पर मुझे मलाई बेस्ट ऑप्शन लगता है। अभी इनको मैं ट्रायंगल शेप में कट करके टिफिन में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है, किचन में आ गया था मेरे पास कि मुझे मम्मा 5 मिनट और सोने दो। फिर मैं उसको डांट रही थी कि फिर मुश्किल होगी, मैं अगर चिल्लाऊंगी सुबह सुबह पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, अब टूट गया है, नहा ले, तेरा टिफ़िन भी बना दिया मैंने, ब्रेकफास्ट भी बन गया है। तो वो नहाने गया, यहाँ पे ये नाश्ता करके, और साथ ही अपना कोई टेस्ट था इसका इंग्लिश का, तो वो यूट्यूब की वीडियो देखता है, उसमें से NCERT का सिलेबस आता है ना, उसमें से अपना किया इसने टेस्ट याद, और ये रेडी हो गया स्कूल के लिए। बस उठने की देर है, उठने के बाद तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, उठने तक इसको आलस रहता है। ये देखिए, ये गया स्कूल और मैं आ गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने के लिए, तो फिर ये बेडशीट चेंज करूँगी। अभी मैं दूसरे रूम में हूँ, यहाँ पे मैंने रात को तह लगा दिए थे कपड़े, तो उठा के अलमारी में रखने का मन नहीं था, अभी रख रही हूँ। तो उसके बाद अपना भी नाश्ता किया, नहा के फिर मैं मशीन, सिलाई मशीन पे आ गई। अभी हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी तो उनकी यूनिफॉर्म पे फीती लगनी थी, वही लगा रही हूँ।
तो इसके बाद ये मैं सीधा शाम को 4:30 के करीब मिल रही हूँ आपसे। तो अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, ये ग्रेवी वगैरह तैयार हो गई क्योंकि हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाएंगे डिनर का। मैंने इंडक्शन पे सब्ज़ी चढ़ा रखी है और दूसरी तरफ मैंने गैस पे चाय रखी है, तो जब तक चाय पियेंगे हम लोग सब्ज़ी भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इनको टिफ़िन में दूंगी तो फिर वो भाप भाप सी बन जाएगी। तो ग्रेवी रेडी हो गई और इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया और हरा धनिया। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।